सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। बुलेटिन की शुरुआत करांगे वड्डी खबर दे नाल। सारी दुनिया च तबाही मचा रहे कोरोना वायरस ने पंजाब समेत चंडीगढ़ नूं भी पूरी तरह अपनी लपेट च लै लिया है। इस संकट के मद्देनजर शहर के स्कूलों च गर्मियों दी छुट्टियां नूं होर अगे वधा दिता गया है। पहला चंडीगढ़ प्रशासन वालों सरकारी एडेड स्कूलों के बच्चों नूं 15 अप्रैल तो 14 मई तक गर्मियों दी छुट्टियां करने की नोटिफिकेशन जारी की गई सी, पर हुण मौजूदा हालात नूं देखते हुए अगले हुक्मां तक गर्मियों दी छुट्टियां च वाधा कर दिता गया है। दस्सेयोग है कि शहर च लगातार कोरोना वायरस के मरीज वधे जा रहे हैं। हुण तक शहर च कुल कोरोना पीड़ित मरीजों की गिनती 191 तक पहुंच गई है। चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है। घरां तों दूर अते दूसरे सूबयां विच बैठे विद्यार्थी ते मजदूरां नूं हुण इक इक दिन कटना मुश्किल हो गया है, पर यह सफर आसान नहीं है। अज दिल्ली तों विद्यार्थियां नूं जम्मू कश्मीर ले जा रही बस हिमाचल दे डमटाल नेड़े परट गई। बस विच 18 दे करीब विद्यार्थी सवार सन, जिन्हां च 5 गंभीर जख्मी होए अते 13 नूं मामूली सट्टां लगियां ने। सारे जख्मी विद्यार्थियां नूं प्राइमरी इलाज तों बाद जम्मू दे मेडिकल हस्पताल विच रेफर कर दिता गया है तां जो उह घर जा के इलाज करवा सकन। इह सारे विद्यार्थी लद्दाख दे रहण वाले ने। सुबह करीब 6:30 बजे थाना में सूचना मिली कि संघेड़ पुल के पास एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो जिस पर हम थाना की टीम यहाँ पर मौका पर आई तो यहाँ पर एक यूपी नंबर की बस का एक्सीडेंट हुआ था। सड़क से थोड़ा नीचे उतर गई थी और बिजली के खंभे के साथ उसकी टक्कर हुई थी। इसमें 5 लोग घायल थे, जिन्हें हमने सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंस में एकदम सिविल हॉस्पिटल पठानकोट ले गए हैं। उनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चला है वहाँ पर, और एक्सीडेंट का देखते हैं कि इसमें क्या कारण रहा इसमें एक्सीडेंट का। और वहाँ जम्मू जे एंड के प्रशासन को भी इसमें हमने बताया था, हमें कॉल आ रहे थे वहाँ से, और अब इसमें कार्रवाई कर रहे हैं दुर्घटना के कारण क्या रहे हैं इसके लिए। सर कितने स्टूडेंट थे इस बस में? 18 स्टूडेंट थे, जिनमें से 5 लोग जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये दिल्ली से आ रहे थे, ये जो वहाँ पर फंसे हुए थे इस लॉकडाउन के कारण, अब ये लद्दाख जा रहे हैं। भारत च मानसून दे 15 मई तो 16 मई तक दस्तक देने का अंदाजा है। इस दिन अंडेमान अते निकोबार तो बारिश की शुरुआत होगी। इन्हां दो दिन च कुछ थावां ते भारी बारिश हो सकती है। इस तो बाद अंडेमान तो हुंदा होया मानसून जून तक केरल च दस्तक देगा। केरल तो अगे वध्या 11 जून तक मुंबई अते 27 जून तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश अते छत्तीसगढ़ च प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिस नाल लोगों नूं गर्मी तो राहत मिली है। दिल्ली के लोगों को लॉकडाउन 4 विच की सहूलत मिल सकती है अते अजे किस ते पाबंदी जारी रहेगी? सीएम केजरीवाल ने वीरवार नूं इसका संकेत दिता है। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने जनता नूं एक दिन का समा दे के सुझाव मंगे सन। 5 लाख तो ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिते ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग नाई दी दुकाना, स्कूल, होटल अते सिनेमा हॉल अजे खोलन के पक्ष विच नहीं हैं। सीएम ने कहा कि सैलून अते सिनेमा हॉल बारे ज्यादातर लोगों का कहना है कि अजे नहीं खुलने चाहिए। जिन्होंने पहला तो ही बीमारी है उन्होंने कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है। सबको नमस्कार। 2 दिन पहले मैंने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे थे कि 17 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, 17 तारीख के बाद क्या लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए या लॉकडाउन में कुछ ढील देनी चाहिए, अगर ढील देनी चाहिए तो कितनी ढील देनी चाहिए। परसों शाम को मैंने सुझाव मांगे थे, एक ही दिन का टाइम था। एक दिन का टाइम इसलिए था क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि भाई आप अपने राज्य में 17 तारीख के बाद कितनी ढिलाई चाहते हैं, अपना प्रस्ताव मुझे 15 तारीख के पहले पहले भेजिए। आज 14 तारीख है, हम आज शाम तक अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। सभी राज्य अपने अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि कहां कहां कितना कितना लॉकडाउन अलाउ करना है।
दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए, जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने पाँच लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फ़ोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं, काफ़ी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। कुछ एक उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहाँ से चले जाएं, वहाँ बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन लोगों ने ये पूछा कि जी ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसका क्या लॉजिक है, कोरोना से इसका क्या लेना देना है? रात के वक्त इसको, शाम के वक्त लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इससे क्या लेना देना है इसका कोरोना का? तो लोगों का कहना था कि ये वाली टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, दमे के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है। सबका ये मानना है कि इन लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और एक चीज़, इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए, और कई लोगों ने कहा है कि मास्क ना पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है। आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे LG साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी, और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे।
केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पर सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जो भी एक्टिविटीज़ शुरू हों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है, और ख़ास तौर से अपने बुजुर्गों का, प्रेग्नेंट महिलाओं का और जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनका ख़ास तौर से ख्याल रखना। नमस्कार। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की यात्रा लई बुक कीतियां गईयां सारियां टिकटां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। इस दे लई रेलवे 30 जून तक बुक कीतियां गईयां सारियां टिकटां दे पैसे वापस करेगी। हालांकि इस नाल लेबर अते विशेष रेल गड्डियां ते कोई असर नहीं होएगा अते ओह जारी रहनगियां। रेलवे 30 जून तक बुक कीतियां गईयां सारियां टिकटां दे पैसे रिफंड करेगी। रेलवे बोर्ड पैसेंजर मार्केटिंग डायरेक्टर द्वारा जारी नोटिफिकेशन विच इह कहा गया है कि मेल एक्सप्रेस यात्री अते उपनगर समेत सारियां रेल गड्डियां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। रेलवे ने इस नाल इह जानकारी दी कि जिस दौरान लेबर अते कुछ विशेष रेल गड्डियां पहलां दी तरह ही चलदियां रहनगियां। इन्हां ट्रेनां दीआं टिकटां नूं रद्द नहीं कीता गया है। 17 मई तक होर सारियां रेल गड्डियां दीआं टिकटां पहलां ही रद्द कर दित्तियां गईयां सन। इस तों इलावा रेलवे ने नियमित ट्रेनां दी टिकट बुकिंग ते भी पाबंदी लगा दित्ती है। कोरोना वायरस ते संक्रमण दे फैलन तों रोकण लई 24 मार्च तों देश विच तालाबंदी लागू होण नाल यात्री गड्डियां नूं भी रोक दित्ता गया सी। इस दौरान माल दीआं गड्डियां चलदियां रहियां सन। 12 मार्च तों रेलवे ने नवी दिल्ली तों देश लई 15 रूटां ते 15 जोड़ियां रेल गड्डियां शुरू कीतियां ने। काफी सावधानियां ते जांच तों बाद यात्री इन्हां रेल गड्डियां विच यात्रा कर रहे ने। कोरोना लॉकडाउन दे विचकार हरियाणा सरकार ने लोकां नूं राहत प्रदान करन लई एक वड्डा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने 15 मई तों सूबे विच रोडवेज बसां चलाउण दा फैसला कीता है। पर इह बसां निर्धारित रूटां ते ही चलनगियां। हुण इह विशेष बसां हरियाणा तों बाहर अते कोरोना वायरस नाल ज्यादा प्रभावित इलाकियां शुरू नहीं होवेगी। जे लोक इस समय दौरान शरीरक दूरी कानून दी पालना करदे हन तां आवाजाई प्रणाली निर्विघन कीती जाएगी। आवाजाई विभाग दे एक बुलारे अनुसार बसां विच सफर करन वाले यात्री सिर्फ आनलाइन पोर्टल www.hartrans.government.in ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਨਫਰਮ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਬੱਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 30 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।